वाह, यस, गुड आफ्टरनून बच्चों। एक चीज आप लोगों को बतानी है कि मैंने पहला वीडियो जो आपको दिया है वोकैबुलरी का, उसके बाद मैं नेक्स्ट दूसरा वीडियो लेके आया हूं, आप लास्ट तक देखा करिए। लास्ट में जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, क्योंकि जो मैं सबसे लास्ट में दो चीज़ें बताऊंगा वो ही आपकी सबसे महत्वपूर्ण लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें रहेंगे। और कैसे पढ़ाई को आसान बनाया जाए, कैसे पढ़ाई को इजी फॉर्मेट में रखा जाए, इसके लिए लास्ट में आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखा करिए और अपने जो भी रिलेटिव हैं, जो भी सगे संबंधी हैं, उनको आप वीडियो को फॉरवर्ड करिए, वो देखें उसको, उनकी जो भी नीड होगी उससे रिलेटेड वीडियो आपको बना के दिया जाएगा। चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन पे ऑल पर जाकर क्लिक करिए कि जिससे सारी की सारी वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। मैं राकेश पंडित आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ अपनी नेक्स्ट क्लास लेकर वोकैबुलरी डेली बेस की, जो मैंने पिछले वीडियो में 10 से 15 वीडियो आपको दिए थे, मतलब वोकैबुलरी के। उसके बाद मैं आपको सामने कुछ वीडियो और दे रहा हूँ। ये देखिए, कॉमन सी बात है, कान छेदना, ये शब्द जो होता है जब लड़कियाँ थोड़ा बड़ी होती हैं तो उनके कान, हाँ, कर्ण छेदन जो है वो हमारे संस्कार की एक प्रथा है और ये किया जाता है किसी भी, जैसे जो धर्म को नहीं मानने वाले हैं, जिस धर्म के, जैसे किस धर्म में नहीं होता है लेकिन सनातन में तो होता है, जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसमें तो स्वाभाविक है कर्ण छेदन की प्रक्रिया होती है। वो किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी जात से हो, किसी भी कास्ट से हो, मेरा कहने का ये उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य कर्ण छेदन की बात है। और वो ये लागू नहीं होता है कि ये बाउंडेशन सिर्फ लड़कियों पर हो, लड़के भी शौक में मतलब कर्ण छेदन करवाते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर जेंडर पर मैं कमेंट कर रहा हूँ, हाँ, तो मैं किसी पर्टिकुलर जेंडर को कमेंट नहीं कर रहा हूँ, वो सभी करते हैं। तो कर्ण छेदन करना अर्थात कान छेदना, उसको बोलते हैं पायर्स, PIERCE, पायर्स। पायर्स मीन्स कर्ण छेदन करना, कान छेदना। अब ये देखिए, दूसरी मीनिंग आपके सामने है, जो साधारण सी बातों पर लोग कहते हैं कसम खाना, कसम खा रहे हैं, हम आउट नहीं हुए हैं, मैच खेल रहे हैं, बॉल, एक बॉल पे लास्ट में दो रन चाहिए, बॉल एकदम स्टंप के बगल से निकले, नहीं नहीं आउट नहीं हुआ, कसम खा रहे हैं, ये बोलते स्वैर, आई स्वैर, मैं कसम खा रहा हूं, मैं कसम खाता हूं, कसम खाना। ये भी एक खाने की वस्तु है, कितना भी खाओ पेट नहीं भरेगा भैया, हाँ, कसम खाना। जैसे बहुत से खाने होते हैं जिसमें खाने पेट नहीं भरता है, वो कसम खाना। तो ऐसे में चार शब्द आपको दे रहा हूँ, कुछ चीज़ें आप ऐसा बताइए जिसमें नाम में हो, जैसे छिपकली, छिपकली में कली नहीं है भैया, लेकिन वो छिपकली है। ऐसे ही रिलेटेड दो चार शब्द आप भी आप वीडियो सेक्शन के कमेंट में बढ़ा दीजिएगा। अब अगली मीनिंग हमारी जो आ रही है, बढ़ा चढ़ा के बोलना। अब बढ़ा चढ़ा के बोलने का अर्थ क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कुछ, आपने उनको बताया और कुछ, वो और उनको बता दिए बढ़ा के, और वो उनको बता दिए, ऐसे करते करते चला मेरी साधारण सी बात पांच लोगों के बीच में पहुंची तो पता चला कि वो बहुत बड़ा ब्रॉड हो गया। उसको बोलते हैं बढ़ा चढ़ा के बोलने वाला। एग्जैगरेट मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बोलने वाला, EXAGGERATE, एग्जैगरेट मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बोलने वाला। हाँ, कंफर्म करिए आप लोग भी। नेक्स्ट है पसीना आना। पसीना कैसे आते हैं, जो इतना भोजन करके सोए रहते हैं, रजाई ओढ़ के, उनको पसीना आता है? पसीना उनको आता है जो पिछले वीडियो में मैंने आपने देखा होगा, वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना, जब आप मेहनत करते हैं तब आपको पसीना आता है। तो जो पसीना आता है उसको बोलते हैं स्वैट, स्वैट,
SWEAT, sweat. Sweat means पसीना आना. Very good. अब ये स्टेप आता है घास काटना. घास काटना भी डेली वेस्ट की चीज़ें हैं. ज़रूरी नहीं है कि घास काटना कोई गंदा काम है. आपके दरवाज़ा है वहाँ घास ज़्यादा हो गई है, साफ़ सफाई करना भी ज़रूरी है. और साफ़ सफाई करना तो गंदी आदत में आती नहीं है. तो वो जो घास काटने की स्थिति होती है, कोई भी काट सकता है घास, या फिर कोई जानवरों को चराने के लिए या उनको खिलाने के लिए घास की आवश्यकता होती है, तो हम जो घास काटते हैं उसको बोलते हैं माऊ. MOW, माऊ. माऊ मीन्स घास काटना. नेक्स्ट वर्ड मीनिंग हमारी है करवट लेना. करवट लेने का मतलब जब आप सोते हैं तो सिंगल हेडेड नहीं सोते हैं. जैसे एक तरफ आप लेफ्ट में सोए हैं, कुछ देर बाद आप ऑटोमेटिकली राइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर राइट में सोते हैं या फिर लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं. कुछ लोग स्ट्रेट सोते हैं, वो गंदी आदत है. दिल की सबसे बड़ी बीमारी सीधा सोने वाले के लिए है. यस, पीठ के बल एकदम नीचे सीधा फ्लैट सोने वाले, याद कर लीजिए, वो हमेशा हार्ट की प्रॉब्लम से जुड़े रहेंगे. कभी भी सीधा नहीं सोना चाहिए और ना कभी पेट के बल सोना चाहिए. पेट के बल सोने वालों के पास ये याद कर लीजिए कि पेट से जुड़ी बीमारियों से हमेशा जीवन भर परेशान होंगे. और एक तीसरा, देखिए सोने से ही बात आ गई, एक पैर मोड़ के, जो हाथ पैर में मोड़ के एक साथ गठरी बन के सो जाते हैं, वो भी बड़ी प्रॉब्लम है. ऐसे इस प्रकार से आप नहीं सोएंगे, एकदम आप पैरलर सोइए. एक करवट ले लीजिए, चाहे बाएँ की चाहे दाएँ की. अगर बाएं की सोते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाएं दाएं किसी भी करवट में सोइए, एक करवट में हो, हाथ आपका पैरेलल खुला हुआ हो. चलिए, तो ऐसी जब हम करवट लेते हैं उसको बोलते हैं टॉस एंड टर्न. टॉस एंड टर्न. आप लोग प्रोनाउंसिएशन भी उसका लिखते रहिए जिससे पढ़ने में आसानी रहे. टॉस एंड टर्न. जैसे जब भी वीडियो को आप देखिएगा तो तीन लाइन बना दीजिएगा, एक तरफ वर्ड कर दीजिएगा, एक तरफ मीनिंग कर दीजिएगा, एक तरफ प्रोनाउंसिएशन कर दीजिएगा. टॉस एंड टर्न, करवट लेना. अब आगे आता है गले लगाना. गले लगाने का मतलब जब आदमी बहुत खुश होता है तो गले लगा लेता है. तो प्राय आपने गले लगाने की स्पेलिंग आपने सुना होगा हग, HUG, हग. लेकिन मैं आपको दूसरी एक मीनिंग बता दे रहा हूं, इम्ब्रेस. इम्ब्रेस, EMBRACE, इम्ब्रेस. जिसको हम बोलते हैं हग, गले लगाना, HUG, वही चीज़ें इम्ब्रेस भी है, गले लगाना. तो गला आदमी कब लगाता है गले? प्रसन्नता होने पर. और दूसरी बात है धोखा देने पर. किसी को धोखा देना है तो गले लगाओ, वो आसानी से तुम्हारी बातों में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसको धोखा दे सकते हो आसानी से. और ये दूसरी बात है प्रसन्नता होने पर गले लगाया जाता है. तो ऐसा करिए भाई, आप लोग धोखा देने के लिए किसी को गले मत लगाइएगा, प्रसन्नता होने पर ही लगाइएगा. चलिए, प्रभावित करना. अपनी बातों से, अपने काम से, अपने हुनर से, अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से, यानी अपनी सारी अच्छाइयों से, जब आप किसी के दूसरे के दिल पर राज करते हैं, दूसरे की आंखें लगातार आपको देखने के लिए विवश हो जाएं, तो ये समझ लीजिए आप अपनी प्रभाव जो है उसके दिल में छोड़ चुके हैं. उसको बोलते हैं प्रभावित करना, यानी वो व्यक्ति आपको चाहने लगे, पसंद करने लगे. इसके लिए इम्प्रेस होता है, IMPRESS. तो ये प्रभावित करना, ये किसी के बाई बर्थ क्वालिटी नहीं है, ना तो इस पर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है कि तुम मुझे पसंद करो, तुम मुझे बहुत समझो, बहुत मानो, ऐसा कुछ नहीं होता. मुझमें क्वालिटी रहेगी. क्वालिटी इज नीड नॉट एडवर्टाइज. गुण जो है वो प्रचार करने की वस्तु नहीं है. अगर मुझमें योग्यता रहेगी, मुझमें क्षमता रहेगी, तो मैं अपना प्रभुत्व आप लोगों के बीच में रख सकता हूँ और आप विवश हो जाएंगे मुझे फॉलो करने के लिए, पसंद करने के लिए. इसको बोलते हैं इम्प्रेस करना, प्रभावित करना. नेक्स्ट, चक्कर लगाना. हाँ, ये गलत चक्कर लगाना मत समझ लीजिएगा कि पता चला किसी के घर का चक्कर लगा रहे हो. नहीं नहीं, तो फिर लाठी गिर जाएगी बेटा. चक्कर लगाने का अर्थ ये होता है रोटेट करना. जैसे
पृथ्वी चक्कर लगा रही है, और भी ग्रह नक्षत्र जितने हैं वो चक्कर लगाते हैं। आप क्लास में बैठते हैं तो सर आपको बोलते हैं जो आगे बैठा है कल वहाँ जाएगा दूसरी बेंच पे, वो तीसरी बेंच पे, चौथे बेंच पे, इधर से मतलब सारी बेंच में जो रोटेशन चलता है आपके क्लासों में वही है वो रोटेट करना, घूमना, चक्कर लगाना। और ऐसा चक्कर नहीं लगाना है कि पता चला कि हाँ पूरे गांव में चक्कर लगा रहे हो, पूरे घर में चक्कर लगा रहे हो। चक्कर लगाओगे तो फिर बेटा चक्कर वाले ना घर वाले फिर क्लास ले लेंगे आप लोगों की, इसीलिए वो चक्कर तो एकदम नहीं लगाना है, चक्कर लगाना है पढ़ाई का। चलिए सहलाना, ये मीनिंग बहुत कॉमन है। सहलाने का अर्थ प्राय होता है पेट एनिमल या बेबी चाइल्ड। बहुत सॉफ्ट कोई चीज़ें हमको मिल जाती हैं तो उसे हम छूते हैं, आसानी से गोदी में लेते हैं, सहलाते हैं, ये चीज़ें होती हैं सहलाना। और उस तरीके से मतलब पता चला सहलाने का मतलब हाथ साफ करना नहीं समझना, किसी दुकान पे गए कोई चीज़ मिल गई तो सहला दिए, पता चला जेब में आ गई, तो आपको ऐसा नहीं सहलाना है कि उसका सामान सहला दीजिए तो पता चला बेचारा तकलीफ में आ जाए। सहलाने का अर्थ ये होता है कि आप जैसे पप्पी जो पिल्ला होता है आप गोदी में उठाते हैं और सहलाते हैं उसे, कोई छोटा बाबू है, बच्चा है, बेबी है, उसे आप मतलब आराम से प्यार दुलार देते हैं, वो सहलाना हो गया। उसका मतलब होता है फॉन्डल, फॉन्डल FONDLE, फॉन्डल, फॉन्डल मतलब सहलाना। चलिए अब ये जो कुछ मीनिंग है बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है आज के दौर में, चुगलखोर, इनकी सुन के उनको बताना, उनकी सुन के उनको बताना, उनकी सुन के उनको बताना, पता चला तीनों में मारपीट हो गई तो वहां बैठ के ताली बजा के मजा लेना, ये गलत है। फिर बाद में जानते क्या तीनों मिल के मारेंगे, तीनों मिल के मारेंगे, इसलिए ये चीजें नहीं होनी चाहिए। चुगलखोर मीनिंग हमारी है उसको बोलते हैं बैकबीटर, BACKBITER, बैकबीटर। बैकबीटर मतलब चुगलखोर, बैकबीटर मींस चुगलखोर। नेक्स्ट चापलूस, आज के दौर में 70% लोग तो हर क्षेत्र में आपको चापलूस मिलते हैं, तो चापलूस कभी भी नहीं होना चाहिए। चापलूस की इज्जत उतने ही समय तक होती है जितने समय तक उस व्यक्ति को जरूरत है। एक योग्य व्यक्ति पूरे जीवन भर इज्जत पाएगा। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा अपने ही देश में पूज्यवान होता है, अगर वो जिस क्षेत्र का राजा है लोग वही उसको जानेंगे, लेकिन विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। जैसे नमंत फलिनो वृक्षा नमंत गुणिनो जना, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च ना नमंती कदाचना। गुणी व्यक्ति और फलदार वृक्ष हमेशा झुककर मिलते हैं, और मूर्ख व्यक्ति सूखे वृक्ष कभी भी झुकते नहीं है क्योंकि उनमें अभिमान होता है। तो चापलूस इसको बोलते हैं साइकोफेंट, SYCOPHANT, साइकोफेंट। साइकोफेंट मीन्स होता है चापलूस, साइकोफेंट मतलब चापलूस। अब होता है अगली मीनिंग भाग्यशाली, भाग्यशाली का मतलब जिसका भाग्य साथ दे, वो कुछ भी करे पता चला लोहा छू दे सोना हो जाए। फर्स्ट एग्जाम में अटेम्प्ट में आईएएस के एग्जाम में बैठा और पहले राउंड में पास हो गया, भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली है। फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट मतलब भाग्यशाली, आप उसको लकी भी बोल सकते हैं। अब आगे देखिए चंचल, ये प्रायः लिटिल बेबी पर ही लागू होता है। जब आप बड़े होते हैं वहाँ आप चंचल होंगे तो फिर ये तो गंदी आदत है, उसको चंचलता में नहीं लाया जाता है क्योंकि वो आपकी बदमाशी में नोट किए जाएंगे। जब आप बड़े होकर वही काम करेंगे तो वो बदमाशी में हो जाएगी, लेकिन छोटा बच्चा हो, 5 साल का हो, 4 साल का हो, 3 साल का हो, नटखट हो, उसको बोलते हैं चंचल। जैसे खेलना कूदना आदि सारी चीज़ें वो करता है उसको बोलते हैं पिकल, पिकल, पिकल मतलब चंचल। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम
10 ईयर तक माफ है। लालयत पंच वर्षाणी दस वर्षाणी ताड़ेत प्राप्ते तू षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। बच्चा 5 वर्ष का है तो उसे प्यार दुलार सम्मान सब दो। 5 वर्ष तक, 10 वर्षाणी ताड़ेत, 5 से 10 वर्ष के बीच में ठोक बजाकर उसको दुरुस्त करो कि पढ़ाई के लिए बन जाए। लेकिन प्राप्ते तो 16 वर्षे, जब वो 15-16 वर्ष का हो जाए, 17-18 वर्ष का हो जाए, तो पुत्र मित्र वदाचरेत, पिता को हमेशा बच्चे से सलाह लेनी चाहिए, उसको अच्छा गाइडलाइन करें। मेरे कहने का आशय है कि जब पिता का जूता बच्चे के पैर में फिट हो जाए तो उस दिन उसको डांटना या मारना छोड़ दीजिए, क्योंकि बैक बाउंस कर सकता है वो। और जवाब दे दिया तो पता चला कि पूरी इज्जत धरी की धरी रह जाएगी, इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो चंचलता सिर्फ मैक्सिमम 10 ईयर तक ही लागू होती है। अब आता है वफादार अर्थात भरोसेमंद, जिस पर हम भरोसा कर सकें उसको बोलते हैं लॉयल, LOYAL। और इसी को डिसलॉयल कर देंगे तो बेवफा हो जाएगा, जो धोखेबाज हो, जिस पर हम भरोसा ना कर सकें वो हो जाएगा बेवफा, और ये हो जाएगा वफादार, लॉयल। आप इतना जान लीजिए, इसका नेगेटिव डिसलॉयल हो जाएगा। नेक्स्ट आप होता है भरोसेमंद, हम अपनी बात को आपके सामने रख दिए हैं, आप किसी को नहीं बताएंगे, मेरी सारी बातों को आप अपने पास तक रखेंगे, ऐसे व्यक्ति को भरोसेमंद कहा जाता है। उसके लिए होता है रिलायबल, रिलायबल, RELIABLE, रिलायबल। रिलायबल मीन्स भरोसेमंद। और अगर कह दिया गया अनरिलायबल तो गैर जिम्मेदार। अगली मीनिंग भी आप नोट कर लीजिए, अनरिलायबल मतलब गैर जिम्मेदार, जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं उसे गैर रिलायबल कहते हैं, अनरिलायबल। अब अगली स्पेलिंग है, मीनिंग देखिए, यह कंफर्म नहीं हो पा रहा आपको, ये चतुर है, ये चतुर, चतुर का मतलब होता है एस्ट्यूट, ASTUTE। देखिए चतुर और चालाक दोनों में अंतर भैया, व्हाट डिफरेंट बिटवीन। चालाक का मतलब ही होता है धूर्त, ठग, बेईमान। चालाक कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं है, चतुर अच्छा शब्द है, बहुत चतुर लड़का है, बहुत बुद्धिमान लड़का है। लेकिन जब कहा जाएगा लड़का बड़ा चालाक है तो चालाक का मतलब ही जान जाइए वो एकदम धूर्त है, क्योंकि जैसे लोमड़ी को बुद्धिमान नहीं कहा गया, लोमड़ी को चालाक कहा गया है कि वह अपना स्वार्थ सिद्ध करती है, तो अपना स्वार्थ जो सिद्ध करते हैं वो चालाक होते हैं। तो चालाक का मतलब शब्द से ही जान जाइए वो धूर्त है, और चतुर जो होता है, बुद्धिमान जो होता है, वो सभी के लिए हितैषी होता है। तो आपने चतुर को क्या पढ़ा, एस्ट्यूट, ASTUTE, एस्ट्यूट। अब ये देखिए शब्द यहां कट गया है, मनहूस, मनहूस, मनहूस वो शब्द है जैसे गांव में ये कहावत होती है, अरे इसको लेके मत जाओ वरना बना काम बिगड़ जाएगा, बड़ा मनहूस आदमी है, अरे सामने पड़ गया बताइए हमारा नुकसान हो गया, ऐसा। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं मनहूस, पता चला सुबह उठे मुंह लटका के मिल गए किसी के सामने, कोई जा रहा है, देखे ही उनके पता चला मूड खराब हो गए, लटकाए हैं मुंह, बाल इधर उधर बिखरे हैं, रो रहे हैं, लगता जैसे विपत्ति का पहाड़ टूट गया उनके ऊपर, क्या ऐसे एकदम झोला जैसा मुंह बनाए हो। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो मनहूस होते हैं, उनको इंग्लिश में जिंक्स कहा गया है, जिंक्स, JINX, JINX, जिंक्स, जिंक्स मतलब मनहूस। ये गांव लेवल पर भी ये सवाल प्राय होता है, गंवार, गंवार का अर्थ ये नहीं होता है कि जो मूर्ख हो जिसे कुछ नहीं पता है, गंवार कभी कभार पढ़े लिखे भी होते हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा वो बाउंस कर देंगे, अपनी बातों को जबरदस्ती किसी पर थोपेंगे, हावी करेंगे और बिना किसी तथ्य के। तो भैया गंवार की श्रेणी में आप भी आ जाएंगे, इसीलिए प्यारे बच्चों पढ़ने लिखने के बाद गंवार वाली बात नहीं करनी चाहिए, और हमेशा अच्छी बातें करिए। जैसे तमाम जगह बातें चलती हैं, मुझे मौका मिला तो मैं उन्हें उखाड़ कर फेंक दूंगा, ये गंवार वाली भाषा है,
जड़ सहित समाप्त कर दूंगा। क्या कर लोगे भाई? कोई कुछ किया ज्यादा करोगे, उससे भिड़ जाओगे, एक दो झापड़ मारोगे, वो तुमको मारेगा, यही ना। तो क्या जड़ सहित उखाड़ दोगे? देखिए, जड़ सहित उखाड़ देना, एक मीनिंग और नोट कर लीजिए आप, जड़ सहित उखाड़ना मतलब यानी रूट आउट, रूट आउट। नोट कर लीजिए आप, जड़ सहित उखाड़ना मतलब रूट आउट कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो ऐसी बहकी बातें नहीं करनी है, ना तो ऐसी बहकी बातें सुननी है। तो उस गंवार को हम बोलते हैं यकल, गंवार को बोलते हैं यकल, वाई ओ के ई एल, यकल। यकल मीन्स गंवार। अब ये बहुत अच्छा शब्द है, ये बड़े अच्छे लोग होते हैं, ये बड़े अच्छे लोग होते हैं, शर्मीला। अपनी सारी बातें कह भी देंगे, मुंह लटकाए रहेंगे, मैं तो बड़ा शर्मा रहा हूं। जैसे किसी से पूछा गया, क्या जी खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, ऐसे कुछ आता है? नहीं आता है। ये क्या है? ऐसा नहीं करते हैं, फ्रैंक होना चाहिए, शर्माने वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये अच्छी क्वालिटी है, शर्माना अच्छी चीज क्वालिटी है, लेकिन ऐसी जगह मत शर्माना जहां इज्जत खतरे में हो जाए। इज्जत को देखते रहना, पता चला कहीं आपको खड़ा करा दिया गया सम्मान देने के लिए, वहां शर्माओगे तो भाई खेल खत्म हो जाएगा, अगला आदमी बाजी मार लेगा। इसीलिए जहां मौका देखो, लूट पड़ी तो टूट पड़ो, मार पड़ी तब भाग चलो वहां से, लाठी गिर रही तो भागो, लूट पड़ी है तो टूट पड़ो वहां। ऐसे लोग को बोलते हैं बैसफुल, बी ए एस एच एफ यू एल, बैसफुल। बैसफुल का मतलब होता है शर्मीला। और ये भैया तो चलन है आज की डेट में, सबसे ज्यादा चलन ये है, दल बदलू। हाँ बेटा, बहुत बढ़िया, राजनीति से भी रिलेटेड देख लीजिए, इस पार्टी को छोड़ के उसमें, उस पार्टी को छोड़ के उसमें, उस पार्टी को छोड़ के उसमें, मतलब जहां लाभ देखे वहीं पहुंच लिए। राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। ऐसे लोगों का सम्मान कहीं नहीं होता है भैया। पता चला कि पार्टी चेंज करके गए, वहाँ हार गए, वहाँ गए तो वहाँ हार गए, वहाँ जीते तो वहाँ हार गए, तमाम हो रहा है। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये सारी जगह हो रही हैं। ऐसे लोगों को बोलते हैं टर्न कोट, टी यू आर एन सी ओ ए टी, टर्न कोट। इसको बोलते हैं दल बदलू, अपने दल से निकल के दूसरे दल में, उनसे उस दल से निकल कर उस दल में, उस दल से निकल कर उस दल में। तो ये टर्न कोट, आप आज की मीनिंग, ये लास्ट मीनिंग है, थैंक यू। और एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन आपको ये है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मन लगा के पढ़िए, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।